से यह कसूर हुआ है और मेरे हाथों से बहुत धनुष चकना चूर हुआ है। क्यों? क्या तुझे मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं? बेशक मैं खताबाद सजा दो मैं सजा भर। अच्छा अभी बताता हूं, इस हिमागत के बदले अभी दिखाता हूं। अजय महाराज क्यों गेंद की बात उछल रहे हो और बिना बात ही बयान से निकल रहे हो? यह कमाल बिल्कुल गरीब शरीफ पड़ी हुई थी, ना जाने कब से बेकार। इसके लिए आप अपना टीम ला रहे हैं और कैसे की तरह दुकान चला रहे हैं? कभी पर्चा दिखाते हैं कभी आंखें दिखाते हैं। अगर आपको मतलब है तो बता दीजिए और ना चुपके से अपनी ला लीजिए। बच्चे से इतना हक की लड़ाई करो, ब्राह्मण बनकर उसको सफाई करो। ये बच्चा नहीं जान की बहन है, समझ रहे कैसे मुझे खेल है? या है गुना मैं तुम्हें गार हूं, सजा दो मुझे मैं सजा बार हूं। क्यों निकल पड़े इस कदर मैदान से? मैं खूब पर चुकू तेरी झूठी शान से। यह पर तो है खुद ही बात से जल सकूं जहां कल मुझे नाराज हो गूं। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डरेगा वो पता सा नहीं। जब तक तुझे ये भी बताता हूं मजाव गिदड़ की बच्चिया दिखा किसी और को, ये फीके लगे सखा किसी और को। राम से
तेरी बात महाराज लक्ष्मण ने बात आपको भी हुआ आज कपा खान है मुझे काम दिखा रहा है आप भी सवाल वो कहले से मेरे नर्म हो गया थे आपको नाहक की भ्रम हो गया था कौन किसी का नाम नहीं है वो मुझे बातें बातें पर चिढ़ा रहा है और मेरी नकल उतार रहा है सामने से चला जा इसका उपाय तो बिल्कुल ही आसान है तुम अपने कानों में उंगलियां दे लो तुम्हारे लिए चारों ओर भी सुनसान है आदमी के डर बात पर मैंने मेरे हाथ में दिखनी है इसकी बातों पर ध्यान रखिए जरा अपने गुस्से को जब फरमाइए बस भाई कहा लक्ष्मण को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं अब कहेंगी अभी समाप्त हुई महाराज महाराज चल कहकर आपने इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है अब अवश्य ही तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी आवाज इसके दिमाग से निकालनी पड़ेगी आप बड़ी खुशी से सब कुछ संभालिए और अपने दिल से अरमान निकालिए अरे पुत्र तेरे दिल में ये क्या हालत है मालूम होता है तेरी मां तुझे याद आती है बड़े बड़े सोने मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं बहुत से क्षेत्र के मेरे हाथ में मारे गए मृत्यु के साथ उतारे गए और सामने आया वह जीवित नहीं आया सबसे ऐसा ही होता मेरे मुकाबले की तो न ले सके और मेरे सामने दर्दन न हिला सके तेरे जैसे बच्चों को बच्चों की तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा या गीदड़ की भक्तिया दिखा किसी और को या सीखे मजे दिखा किसी और को और किसी बुजदिल की आगे अब किसने की जिदा मेरे सामने तुम्हारी सेठी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल नहीं चलेगी बातों में तुम्हें किसी वीर से वास्ता नहीं पड़ा होगा और कोई बुजदिल नहीं होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आना होगा इसीलिए तुम्हारा रास्ता इस कदर बढ़ गया है और ये काम का दिमाग आसमान पर चढ़ गया है अरे राजा अब तू इतनी चबा चला रहा है मेरी इज्जत को क्या मिला रहा है
था केरे बल्ले ने अब फिर भी तलाक नहीं भगवान पर तेरी हड्डियों पर चूर बना दिया तो मेरा नाम भी पछुला नहीं जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद भी इनकार है तो आखिया इसके फिजूल की तकरार है मेरा जो इख्तियार है यह खुद मौत का तलबदार है लक्ष्मण तुम इनको अधिक ना सताओ और जरा पीछे में जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ बात कीजिए पहले इसको मेरी नजर से दूर करो और जल्दी यहां से फेंक दो इलाज समझता है देखो अब ये बता देते हैं कहिए क्या वाक्यम है क्या वास्तव में यह तुम्हारा कसूर है बेशक जो दंड आपसे वो मुझे मंजूर है मुझे संदेह यात्री साहब ने उठाया है तो आपने मेरे पद को खुद आजमाया है लीजिए उसका चिल्ला चलिए कमाल कीजिए और अपना इतना कीजिए मेरा नाम लीजिए महाराज बस उतार दीजिए मुझे इतना हो गया धन्य हो अब मेरा सारा जन तुम हो गया सारा मेरा दूर हो गया राम अवतार हो चुका है आज आपसे मिलकर अब ये किला पर्वत पर जाता हूं और आपके चरणों का ध्यान लगाकर तपस्या करता हूं